ने दीदो हीरो ले मन साड़ी दीदी साड़ी में सिंगाड़ा वाड़ी में भी जोर इतना छोटे हुए तो काम ही नहीं होता मेरा कुछ भी काम नहीं होता तो हो गए चप्पल तो कुछ खेलना है बस ये देखो देखो काजू कतली वाले उल्टे गाटे लग भी काजू कतली से हाँ। टेस्ट भी करोगे तो भी काजू कतली जैसे गाटे जैसे इस कटिंग होती है। तो यहाँ पर चल रही है गणगौर की तैयारी और बन रहे हैं मैदे के टांग पकड़ के रखना पड़ता है इसको तो ये भी डाल रहे हैं इसके अंदर चाशनी ताकि मीठे वाले बनेंगे इसलिए और इसको देखो इस बंदर को जय श्री कृष्ण रुद्रा राधे राधे जय श्री राम दोगलों को भुआ के दोगलों को जय श्री राम। तो कल है गणगौर आज वही सारी प्रिपरेशन चल रही है हम लोगों की यहाँ पे जो भी मीठा चरका तलने के सामान होते हैं वो सारे बनाएंगे और थोड़ा बहुत हमने मैदे की मीठी शक्कर वाले बनाए हैं और चरके वाले भी बनाए हैं। हाँ उधर उधर तैयारी चल रही है उधर ये थोड़े बहुत इधर बनेंगे चरके वाले बनाए आज आटा मैंने गूंदिया मम्मी जी ने बट के काट दिए सारे मैं दिखाती हूँ। ये तो मैदे के मीठे वाले शक्कर वाले कभी तलेंगे हम चरके वाले अब बनाएंगे मम्मी जी अब काटेंगे इनको अच्छे लगेंगे तो हाँ हाँ बस लंबे लंबे अच्छे लगेंगे तो ये चरके वाले मम्मी जी अब काट के यहाँ पे अब वो तैयारी करेंगे। मम्मी बना रहे हैं उधर गाटिए और इधर हो रहा है ये तलई का काम तलने का काम और रामू सबसे बड़ा काम कर रहा है मैं काम कर रही हूँ रुद्रा को रखने का। मम्मी जी आप इधर बैठे हो मैं बोल रहा हूँ आप इधर बैठे हो तो मैंने तो उस हिसाब से सेट करा कैमरा वहाँ आप कर लो तो राधा मन सही से दिख रहे हैं मम्मी जी वाह बंटते हैं मम्मी जी को दो अन भाई आप बंट के मम्मी जी आपको देंगे आप डाल देना अंदर ले जाते ये भी बन जाए वो उसमें हो क्या मुझे मर भी गए अरे मतलब क्या लाएंगे कौन है कोई लाएगी मैं हमारी दो साड़ी लानी पड़ी थी मैं तो आपको मना ही नहीं करती है पूरी अलमारी आपकी पड़ी है आपको कभी मना नहीं करती पेरू जैसी लानी पड़ती है आपके अत्र बढ़िया साड़ी और इको बढ़िया तो कभी आ गई कुछ ना कुछ कर ही हम तो कौन सी दाल कौन सा अबे सब जिम्मा दे रहा है जो दाल तो शाम को जिसकी खाना है अब हम फ्रिज में मेल दीजिए ठंडी नहीं ले जाते तो आंटी ही थी बाकी ज्यादा गर्मी है जा बे जा बे उन दारो अभी अपन खाना खाएंगे हम फिर रख देंगे और क्या है हां फ्रिज में मेल दीजिए जो खाए जो शाम को खा ले नहीं खावे तो आटा मोटी मोटी बड़ी खा ले आटा तो बोलो ओटने तो बोलो ये तो बड़ा पी रोटी खावा वो देखो वो आंटी क्यों से आंटी वो उधर आंटी जी आओ तो एक मिनट तो ये आंटी आई है ये हमारा सबसे छोटा सब्सक्राइबर है बाबू हाय करो बहुत अच्छा लगा बाबू हाय करो हाय ये देखो मतलब इसको रखना सबसे बारी काम है ये देखो अरे राम रुद्रा और मेरी ड्यूटी इसको रखने के लिए यही लगी हुई है किचन का काम वो संभाल रहा है सब तो मैं इसको संभाल रही हूँ छोटे पीस को
वाह वाह ले आजा आजा बोले हाय हाय बोलते पहले हाय 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 तो ये बनाए खाजा पापड़ी हाँ खाली बरत नहीं ठीक आया वो बरत नहीं करी तो खाने न था के खाने ठीक है ये खाजा पापड़ी है और उधर वो थोड़े बहुत और बचे हुए तल रहे और ये दूध रखी दे भूनी तो लगभग है ना गणगौर की तैयारी की हमने सारी प्रिपरेशन कर ली नहीं तो गणगौर के लिए हमने लगभग सब कुछ तल लिया यहाँ पे दादी जी ने खाजा वगैरह तला उससे पहले मिट्टी चर के जो हमने शक्कर पाले और नमकीन वाले बनाए थे घाटिए और अब थोड़े से पापड़ तले यहाँ पे थोड़े से अब रुद्र के लिए फ्राइज तल रहे हैं और वो देखो वो भुआ इधर आराम से रुद्र को लेके परेशान होते हुए ऐसे ऐसे प्रिपरेशन चल रही है कल है गणगौर तो हो गई वैसे तो तैयारी सारी जय हिंद रुद्र नन्ना मुन्ना राही हूँ देश का सिपाही हूँ बोलो मेरे संग जय हिंद क्या खिला रहे क्या खिला मिठाई खिला रहे अच्छा किसी कर दे मेरी बेटा एक एक में पप्पी कर दो ना पप्पी कर दो अरे हुआ यार अच्छा सो जाओ बेटा सो जाओ नीनी आ रही ना बाबू को जय हिंद राधे 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 तो कर दिया राधे राधे बोलो बजरंग बली की जय बजरंग बली की जय आप भी खा लो मेरे को भी खिला दो आप तो मैं पहनने वाली हूँ ये लहंगा उसके ऊपर वो मल्टी कलर की चुन्नी ट्राई करूँगी मम्मी जी पहनेंगे ये चुंदड़ वाला लहंगा रानू पहन रहे ग्रे कलर का एक लहंगा वो मैं सब रेडी होंगे फिर दिखाती हूँ यहाँ मम्मी और भाभी कर रहे हैं फल बनाने की तैयारी जो कि फल गणगौर के पूजन में चढ़ाते हैं 16 फल एक एक जने के होता है आठ फल गणगौर के चढ़ा के आते हैं आठ फल वापस लेके आते हैं लेके आते हैं ना, तो चार चार ही चढ़ाते होंगे नहीं साथ चार मीठे हाँ चार मीठे चार के हाँ तो फल ऐसे कुछ ऐसे बनते हैं ये फल तारे तारा सितारा हाँ वो भी नहीं ये है तारा और सितारा तो हम दोनों हो गए तैयार गणगौर पूजन के लिए मैंने वियर किया है भाभी का लहंगा क्योंकि मेरे पास अभी यहाँ है नहीं और इन्होंने ये हाँ हो तो अभी बज गए हैं वैसे 11 और 11 बजे ही हम सब ने जाने का भी डिसाइड किया है सुबह सब निकलने ही वाले हैं थोड़ा सा और इनका काम बाकी है जो हो जाए तो हम जाएंगे सो आज मैंने कुछ डिफरेंट लुक ट्राई किया है मतलब हमेशा से थोड़ा अलग और होप सो अच्छा लग रहा होगा थोड़ा डिफरेंट कलर भी पहना है तो ये देखो ये रहा मेरा गणगौर का लुक वैसे तो अब देखते हैं वहाँ पे क्या कमेंट करते हैं सब ये देखो मेकअप बहुत सिंपल सा किया है बाकी ज्वेलरी वगैरह तो हमें पहननी ही पड़ती है तो मैंने पहना है रामा कलर का ये रहा मम्मी जी का लुक ये रहा मेरा और ये आ गए रानू ठीक आओ चलो ये रहे मैं और रानू इधर देखो तो ये हम दोनों उधर मम्मी जी गए आगे वैसे तो हम पूजा नहीं कर सकते हमारे यहाँ लग गया है सूतक क्योंकि हमारे ससुराल में किसी को बेबी हुआ बेबी बॉय है बेबी बॉय हुआ इसलिए
और फिर भी हम शौक से जा रहे हैं। तो हम जहाँ पे है ना हमेशा कथा और पूजा करने आते हैं वहाँ हम आ गए। ये रहा मंदिर और हम घर में जाकर अभी कथा वगैरह करेंगे, पूजा करेंगे, जो भी पूरा प्रोसीजर है वो फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे वैसे लगता है कि लगभग आए तो हैं, थोड़े बहुत लोग आए हैं क्या, अभी तक तो कोई नहीं आया। तो यहाँ हम सब आ गए पूजा करने, सभी के साथ मिलके पूजा करते हैं। बहुत ज़्यादा भीड़ पड़ती है यहाँ पे, तो अपने अपने टर्न का वेट करना पड़ता है। ये रहे ईश्वर बाव जी, शिव जी। रो वाड़ी मेरी जो रो रो गज डोरो, राणिया पूजे राज में पूजा सुहाग में, सुहाग सुहाग केड़ी आई केड़ी मारे जात जात पड़िया गुजरात की, गुजरात आरो पानी आयो दे दे कुचा दानी आयो, आकड़क डाली गुलाब को फूल डिपी में डिपी डिपी में केक मेरे बरस इलाकों में। बोलो शुक्रवार हाँ घूमो घूमो घूमते जाओ बस। ये अपन तो नहीं करते, हम तो नहीं करते। फ्रूटी का है रानू को मिल गई फ्रूटी। थैंक यू, हमारा भी आना। तो ये कोमल भाभी क्या आज लहंगा है प्लस हील वाली चप्पल पहन के आए थे, तो देखो इनके साथ इतना चोट हुआ तो काम ही नहीं होता मेरा, कुछ भी काम नहीं होता। हो गई चप्पल टूट गई। इनके पाँव चल रहे, देखे शक्ल दिखा। दौड़ रहे छाया में चलो ना। ओहो तो किसी कर दो एक। हाँ बेटा अभी वीडियो बनानी है। तो पूजा करके फ्री होके अब आए हम घर पे और तब तक बज गई 2। अब बाबू को थोड़ी देर दादी जी रखेंगे और मम्मा और बुआ एक वीडियो बना ले, ठीक है। आ रे यार रुद्र क्या बोलता है, हेलो नमस्ते मम्मा बाबा बाबा। छोड़ दे रुद्र छोड़, ये इसने पकड़ लिया है मम्मा, वो पकड़ लिया किस कर दे, किस कर दे रुद्र। रुद्र किसी का ये लट्टू ब्लेड का लट्टू नहीं है, किसी का दे मम्मा के, किसी को पप्पी करो मम्मा के।
गुड मॉर्निंग गबुलाला बुआ दीदी आ रहा अच्छा अच्छा लाड कर ले किस कर दे किस कर दे प्यार किया है रे बहुत प्यार किया है देख देख नाच रहा तूने भी मुझे कितना बेकरार किया है प्यार किया है तुझे प्यार किया है डिंग 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 नन्ना मन्ना राई हूँ देश का सिपाही हूँ बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद देखो हम पूजन करके आए चीते 2 बज के और आते ही अभी से हम वीडियो बनाने लग गए बहुत जोरों की भूख लग रही है देखो हमने है ना मीठे चर के वो बनाए थे शक्कर पाले और नमकीन के वो गाठिए अभी रुद्र के लिए चावल बन रहे हैं और खाना आपके भैया के रख दिया पत्ता गोभी की सब्जी बनाई है शानदार कचौरी समोसा है और जलेबी है मिठाई है मावे की बहुत सारी चीजें तो चलो अभी खा लेते हैं फटाफट से और हमारे गणगौर की पूजा हमने पहली बार लोटे से घूम के ट्राई किया पहली बार हमारे यहाँ पे ऐसा रिवाज करता है और अभी तो शाम को शायद वापस से क्या कहते हैं उसको विसर्जन भी नहीं लेके जाएंगे तो उसमें मैं जाऊंगी तो वो आगे का भी मैं आपको दिखाऊंगी आ गया वो रुद्र ना खा के फ्री हुए तब तक अभी शाम के 4 बज गए रुद्र अभी जस्ट सोया रानू के फ्रेंड आए हुए हम तीनों यहीं बैठे हैं और बस और हम चॉकलेट खा रहे हैं तो हमने खाना खा लिया है अब हम चॉकलेट खा रहे हैं और अब थोड़े बहुत वीडियोस एक्सचेंज करेंगे कि और बस सो जाएंगे यार नींद तो बैठे बैठे अभी भी आ रही थी रुद्र को सुलाते सुलाते ही आने लग गई हाँ तो मैं सो रही थी तब तक बहुत तेज बारिश आ गई और ये शूट रानू ने किया मैं तो अंदर सो रही थी गहरी नींद में रानू का कॉल आया कि भाभी देखो गैलरी में पानी तो नहीं आ गया तब जाके पता चला कि भाई घर में बारिश आई है तो हम जाते विसर्जन में पर तब तक बारिश आ गई और ये मौसम हो चुका है इधर ये रुद्र के पापा को देख के रोए जा रहा है ये तो मौसम देखो आप कितना अच्छा मौसम हो रहा है हाँ एट लास्ट सारा काम मतलब अभी तो 8 बज रहे हैं थोड़ा बहुत बाकी भी है सबका फास्ट भी है अभी नवरात्र भी चल रहे ना तो ये आप देखो ये थोड़ा बहुत अरेंज करना है अभी मतलब फंक्शन वगैरह हो गए सारा बिखेरा इधर पीछे रखा हुआ है तो ये पूरा समेट के बस उसके बाद में रुद्र को रखेंगे उसको खिलाएंगे पिलाएंगे और सुला देंगे तो आज के व्लॉग में यही सब था और रीज़न आपको पता ही है रिंकू के नहीं होने का नहीं पता हो तो पहले वाले व्लॉग में भी बताया मैंने कि उसके दादी जी की डेथ हो गई है इस वजह से रिंकू नहीं है किसी भी फंक्शन में इवन अभी एक हफ्ते के लिए और रिंकू नहीं दिखेगी उसके बाद में अब रात के 11 बजे लगभग घर में सबके व्रत है और मैं और रानू हम भी सो रानू तो एक बार के सो के उठे वापस से ये तो 7 बजे सो गए थे मैं अपना रूम थोड़ा साफ कर रही थी बहुत ज़्यादा बिखेरा हो रहा था उसमें इसलिए तो उठे तो मैंने बोला चलो थोड़ा बहुत खाना खा लेते हैं देखा तो सब कुछ खत्म हो गया तो अब फाइनली हम मैगी बना रहे हैं रानू रुद्र को रख रहे हैं रुद्र आराम से 12-1 बजे सोएगा तो बस मैगी वैगी खा पी के आराम से सो जाएंगे अब 12 और दिए देखो रुद्रा को देखो इसको ए रुद्र बेटा चोजा ना बोला चोजा ना रे ए गब्बू लाली ए चोजा चोजा इसको तो खेलना है बस ये देखो देखो इसके नाटक ये सब ओ बस ये लो सो गया वो बेटा रुद्र रुद्र छोजा छोजा लाल परी आ रही है लाल परी आ रही है बेटी ओहो लाल परी आ रही है छोजा लल्ला छोजा ये इसकी मम्मी पापा दोनों से दाब गया चोरा नहीं सोना मेरे को ओ बस देखा वेल डन बेटा वेल डन वेरी गुड
वेरी गुड रुद्र, वेरी गुड। ये देखो 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 फुल चार्ज है अभी तो बैटरी। उधर नहीं, उधर नहीं, इधर छोड़ो, इधर छोड़ो, 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 ओ